एक सेकंड आपका नाम? देखिए, मेरा नाम है आशीष आनंद भट्ट और आज हम अपने देश का फ़र्ज़ अदा पूरे करने आए हैं। आज हमारे भारत का दिन है, देश का, नेशन का, नेशन डे भी इसे आप मना सकते हैं, कह सकते हैं। वोट डालना आपका अधिकार है और जो लोग घरों में बैठे हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बाहर निकल के एक दिन अपने देश के लिए और एक दिन अपने हक के लिए दे दे। ये वोट बहुत मायने रखता है, बहुत ही वैल्यू रखता है, ताकि आप अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सके। आपके पास रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, आपके पास सुविधाएं नहीं है, आप वोट डाल के अपनी सारी जो सुविधाएं हैं उसे मुकम्मल तौर पे पूरा कर सकते हैं। आप एक अच्छा लीडर चुन सकते हैं, अपना एक पार्लियामेंट में जो आप चाहते हैं, जिसे जो आप अपना आपका काम करे या जो आपका काम करता है या जिन्होंने आपका काम किया है, तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप वोट डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलिए, आज एक दिन अपने लिए और अपने देश के लिए दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जी सर, बताएं, आज आखिरी चरण है जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी माइग्रेंट्स वोटिंग कर रहे हैं, कैसा लगा, कैसा रहा? सबसे पहले तो इस जो हमारे आज 25 तारीख को अनंतनाग और रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जिस तरीके से बम्पर वोटिंग जो है, डिस्प्लेस कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी जो है, आज बढ़ चढ़कर सभी लोग जो है वो अपने घरों से बाहर आए और इस पर्व को हम धूमधाम के साथ, बड़ा ही खुशी के साथ हम इस चीज़ को मना रहे हैं। और रही अरेंजमेंटों की बात, जो अरेंजमेंट जो है, जो 13 तारीख को जो देखने को मिला था, उसमें काफ़ी सारी परेशानियां, काफ़ी सारी त्रुटियां जो है वो रही थी, लेकिन आज स्मूथली बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारे CEO साहब, पोले साहब हो, या हमारे रिलीफ कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब हो, या ARO साहब, रियाज साहब हो, पूरा स्टाफ जो है, आज हम उनको तही दिल से, दिल की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरीके से आज इंतज़ाम जो देखने को मिल रहे हैं, हर जगह, हर बूथ, पोलिंग बूथ पर स्मूथली जो है पानी की सुविधा रखी है, नाश्ता खाने पीने की सुविधाएं रखी गई है, और बैठने की, सबसे पहले बैठने के लिए जो हमें आज चेयर और जो जिस तरीके से छाए के बीच में जिस तरीके से सज धज के आज पोलिंग बूथों पर रखा गया था, और स्टाफ जो है वो बिल्कुल हमारी सुविधा के लिए खड़े हैं। मैं अपनी दिल की गहराइयों से फिर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थोड़ा इधर चलेंगे, हमें पोलिंग बूथ भी दिखाना है, लाइव लाइव चलना।